नमस्कार, मैं खुशबू चौधरी स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज 64 में। मोदी हो या कोई और नेता, किसी की भी रैली की वजह से अगर एक मासूम की जान चली जाए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ऐसा ही कुछ हुआ आज गोरखपुर में, जहां एक तरफ मोदी का काफिला निकल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उनकी भीड़ में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। मोदी जी के काफिले के लिए जो बसें लगाई गई थी उनका जाम इतना था कि उसके बीच में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। एम्बुलेंस में एक माँ और बेटी थे, जहां बेटी की हालत बहुत ही नाजुक बताई जा रही है। बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, उसकी माँ रो रो कर कह रही थी आगे से इन बसों को हटा दो और मेरी बेटी को अस्पताल लेके जाने दो। लेकिन 3000 बसों की उस भीड़ को कैसे हटाया जाता। मोदी जी के काफिले तक उस भीड़ को पहुंचाने के लिए 3000 बसों सरकारी बसों का यूज किया जा रहा था, जिनमें लोगों को भरकर उस स्थान तक पहुंचाया जा रहा था जहां मोदी जी की रैली थी। इन बसों पे पार्टी के समर्थन का झंडा भी लगा हुआ था। क्या जनता से लिया गया टैक्स नेताओं की रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए प्रयोग किया जाता है? भी फंसा हुआ है और इसमें एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है, बहुत बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में, और इसको निकालिए भाई, थोड़ा जगह दीजिए आप लोग। ट्रैफिक पुलिस भी यहाँ नहीं है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस बिल्कुल नहीं है। एम्बुलेंस में तबीयत बहुत सीरियस है, बहुत ज्यादा सीरियस तबीयत है, लेकिन कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई नहीं है। कैसे गाड़ी को निकाला जाए, आप देख सकते हैं किस तरह से बुरी तरह से एम्बुलेंस फंसी हुई है और इतनी खराब तबीयत है। सीरियस एक्सीडेंटल केस है, सीरियस केस है, लेकिन फिर भी न ट्रैफिक पुलिस है, न कोई है, एम्बुलेंस निकालने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री जी आज आने वाले हैं और सरकारी बसें किनारे से लगी हैं, समर्थकों की गाड़ियां हैं, लेकिन कहीं से भी आप देख सकते हैं कोई मैनेजमेंट नहीं है ट्रैफिक का, लोग जहां हैं वहीं फंसे पड़े हैं, बहुत खराब सिचुएशन है। मैं आपको बताता चलूं, ये देखिए कितना लंबा जाम लगा हुआ है और कोई ट्रैफिक पुलिस का अधिकारी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आम आदमी की जान अटकी हुई है, लेकिन सरकारों को रैलियां करना है, संबोधन करना है। क्या प्रधानमंत्री का कार्यक्रम इस देश के नागरिक के जान से ज्यादा कीमती है? सवाल ये उठता है। अगर प्रधानमंत्री के आने से अगर किसी की मौत हो जाती है तो क्या प्रधानमंत्री का आना सफल माना जाएगा? अगर उस बच्ची की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? गोरखपुर जा रहे हैं हम लोग, मोदी जी की रैली में। मोदी जी की रैली में हम लोग सरकार फिर बनाने वाले हैं, फिर बनाने वाले हैं। 22 की सरकार, 22 की सरकार फिर से। जिंदाबाद, 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 मोदी जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, हर मोदी, हर मोदी, हर जोगी। ये सरकारी बसें देखिए, इसमें भी भाजपा समर्थक और भाजपा का झंडा।